रुड़की की गंग नहर कोतवाली क्षेत्र के माधोपुर गांव में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है, जिसने गौ साक्वायर्ड की टीम पर युवक की हत्या का आरोप लगा है। दरअसल मृतक के परिजनों का आरोप है कि टीम गौ साक्वायर्ड टीम ने युवक को रोककर मारपीट की और फिर गांव के तालाब में फेंक दिया, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने इसका विरोध किया, लेकिन टीम ने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। मृतक के शरीर पर कई चोटों का निशान है, जिससे ग्रामीणों में गुस्सा है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कई थानों की पुलिस को मौके पर बुलाया है और ग्रामीणों को शांत कराने की कोशिश की जा रही है। वहीं परिजनों द्वारा लगाए गए आरोपों पर पुलिस अधिकारियों ने कहा कि मामले में शिकायत आई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरी तरह जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रात को गौवंश की टीम यहाँ पर आई थी, उनके द्वारा कुछ गौवंशी मांस पकड़ा गया, एक स्कूटी में एक व्यक्ति पकड़ा गया था। तो जैसे ही उसने टीम को देखा वो यहाँ से भागने लगा और वो तालाब में गिरकर उसकी मृत्यु हो गई है। उसको भी निकाला गया है और इस मामले में तहरीर आई है, उसमें जाँच की जा रही है। देखिए, जो भी चीज़ें जाँच के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई नहीं हुई है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तुरंत पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी और उसके बाद ही सब कार्रवाई होगी। जो भी चीज़ है वह पोस्टमार्टम के बाद ही आएगी और पोस्टमार्टम अभी फिलहाल नहीं हुआ है, बॉडी यहीं पर है, तो जैसे ही बॉडी यहाँ से निकलेगी तो उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा।